जब मेरे पिता मरने पर थे तो मैं उसी कमरे में था। मैं वहाँ पड़ी मशीन में उनकी धड़कनें ऊपर नीचे होते देख रहा था। तब मैंने ध्यान दिया कि उनकी धड़कनें बहुत जल्दी नीचे जा रही हैं। तभी मैंने कमरे में हलचल महसूस की। मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने ऊपर की ओर देखा। तब मैंने देखा कि दो स्वर्गदूत छत से होकर आ रहे हैं। एक स्वर्गदूत इतना बड़ा था कि उसका सिर छत से ऊपर जा रहा था और दूसरे स्वर्गदूत का सिर छत से टकरा रहा था, यानी छू रहा था। मैंने अपनी आंखें चपकाई कि मैं कल्पना तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लोगों से सुना था कि उन्होंने स्वर्गदूत देखे हैं और अपने पिता से भी सुना था कि वे चर्च में काम करते हैं, जैसे चंगाइयाँ और छुटकारा। मैंने देखा कि वो मेरे पिता के शरीर में पहुँच गए। मैं आपको इस प्रकार बता सकता हूँ कि उन्होंने हाथ डालकर उनकी आत्मा निकाल ली और ऊपर की ओर जाने लगे। तभी मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया एलिशा की तरह, क्योंकि मैं सामर्थ का दुगना भाग जाता था। जैसे ही वो गायब होने लगे और छत तक पहुंच गए, तभी मैंने आत्मा में एक चोगा उतरता देखा, यानी एक चादर उतरती देखी। धीरे धीरे मैंने उसे हाथों से पकड़ लिया कि ये मेरी है, ये मेरी है। तभी वो स्वर्गदूत गायब हो गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी स्वर्गदूत नहीं देखे थे। हे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल के परिवार का हिस्सा बनना मत भूलिए। आप इस चैनल के परिवार का हिस्सा बन सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। मैं आपके लिए इस चैनल पर पास्टर, पोस्टर, प्रॉफिट, उनकी गवाहियाँ लेकर आऊँगा, ताकि आपको पता लगे कि परमेश्वर ने उनसे क्या काम लिया। आज वे इतने बड़े दास हैं और मैं उनके प्रचार को भी इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलूँगा। अलविदा, और शेयर करने से मत भूलना।